आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। यूक्रेन के खिलाफ सैन्य अभियान के बाद रूस पर अमेरिका और यूरोपीय देशों के लगाए गए प्रतिबंध भारत की आयात क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। एक रिपोर्ट में ऐसी आशंका जताते हुए कहा गया है कि इसका सीधा असर भारतीय कंपनियों पर उत्पादन लागत में दबाव के रूप में भी पड़ सकता है। क्रिसिल ने सोमवार को अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों में रूस को भारत से किया जाने वाला निर्यात 2.55 अरब डॉलर रहा, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 1.87 अरब डॉलर के निर्यात से 36.1% अधिक है। इस रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 के शुरुआती 9 महीनों में भारत से यूक्रेन को 37.2 करोड़ डॉलर का निर्यात किया गया। हालांकि इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि इस्पात और एल्यूमिनियम जैसे कुछ क्षेत्रों को बढ़ती कीमतों से फायदा भी हो सकता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया था तब कच्चे तेल का भाव $97 प्रति बैरल था, अब यह $125 के स्तर पर पहुंच गया है। हालांकि इस दौरान रिटेल में पेट्रोल डीजल का भाव नहीं बढ़ा है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के कारण पेट्रोल डीजल का भाव पिछले 4 महीने से बरकरार है। इसके कारण ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को भारी नुकसान हो रहा है। बढ़ती कीमत का असर केमिकल्स और पेंट इंडस्ट्री पर भी दिख रहा है। इन दो इंडस्ट्री में क्रूड ऑयल डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में इन दो सेक्टर की कंपनियों के मार्जिन पर असर होगा। जून तिमाही तक इन कंपनियों के मार्जिन पर असर दिखाई दे सकता है। इन कंपनियों की इन्वेंट्री तेजी से घट रही है। कमोडिटी में तेजी से महंगाई पर भी असर होगा। कमोडिटी में तेजी के कारण स्टील और एल्यूमिनियम सेक्टर को फायदा मिलेगा। हालांकि कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट और ऑटोमोबाइल्स पर इसका बुरा असर होगा। कच्चे तेल में तेजी से नेचुरल गैस की कीमतों पर भी असर होगा। नेचुरल गैस की कीमत का असर फर्टिलाइजर सेक्टर पर होगा। हालांकि कंपनियां इसका रेट आसानी से बढ़ा सकती हैं, जिसके कारण कंपनियों के रेवेन्यू पर ज्यादा असर नहीं दिखेगा। अगर लड़ाई लंबी चलती है तो देश में यूरिया समेत अन्य फर्टिलाइजर्स की किल्लत हो सकती है। भारत जरूरत का 8% यूरिया रूस और यूक्रेन से आयात करता है। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप नहीं, हर दुकानदार की बस एक ही ऐप, बिग ब्लिस। बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं, मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।